तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर जो ऐड फ्रेंड का बटन है उसको आप फॉलोवर्स में कैसे चेंज कर सकते हो। तो ये सब आप एक क्लिक में कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे हम अपने डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, तो आप ये काम अपने फ़ोन के ऐप से भी कर सकते हो, और अगर फ़ोन के ऐप से समझना है तो आप क्रोम से भी कर सकते हो। फ़ोन का जो क्रोम है उस पर आप थ्री डॉट पे क्लिक करके उसको डेस्कटॉप मोड में ला सकते हो। तो मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे ये पीसी पे करना पड़ रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक बटन है ऐड फ्रेंड का। तो ऐड फ्रेंड को हम फॉलोवर में कैसे तब्दील करते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल जो प्रोफाइल्स होती हैं वो ज़्यादातर ऐड फ्रेंड को ख़त्म करके फॉलोवर्स वाला रखते हैं। उसकी वजह क्या है कि आपको ऐड फ्रेंड करने के लिए सिर्फ 5000 फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है। अगर 5000 से ज़्यादा आ जाए तो उनको आप ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए उनसे बचने के लिए यहाँ आप ये भी कर सकते हो कि आप चाहते हो कि लोग मुझे मेरी प्रोफाइल को फॉलो करें लेकिन मैं उसको फॉलो करूँ जिसका मेरा दिल करे। तो इसलिए भी आप इस ऐड फ्रेंड के बटन को रिमूव करके फॉलोवर्स वाला लगा सकते हो। तो जैसा कि मेरे यहाँ पे 5000 हो गए हैं, तो 5000 पहले भी मेरे 3-4 बार हो गए हैं। तो जो पहली बार मेरे फ्रेंड थे वो सारे रियल थे, उसके बाद जितने भी आए उसके बाद सारी चीज़ें मेरी डाउन हो गई, कमेंट और लाइक्स वगैरह। जो पहली बार आपके फ्रेंड होते हैं वही एक्टिव फ्रेंड होते हैं और उन्हीं को हम जानते होते हैं। तो इस चीज़ों से बचने के लिए अब हम ऐड फ्रेंड की जगह फॉलोवर्स वाला बटन लाएंगे, वो भी एक क्लिक में। तो उसके लिए आपने करना क्या है, तो मैं इसको लेदर टैब पे ओपन कर लेता हूँ और इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे रिफ़्रेश किया मैंने और यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइम ऐड फ्रेंड का आ रहा है। तो ऐड फ्रेंड को हम फॉलोवर में तब्दील करेंगे। तो उसके लिए मैंने लेदर से प्रोफाइल खोली, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इधर अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी, उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे सेटिंग में। सेटिंग के बाद आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिख रहा होगा प्राइवेसी, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वो कैन सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट, कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन सेंड कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने एवरीवन रखा हुआ है कि यानी ऐड कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, यानी कि अगर कोई फ्रेंड का फ्रेंड है तो वो मुझे ऐड फ्रेंड कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई भी अननोन पर्सन होगा ना तो उसको मेरी प्रोफाइल पे सिर्फ फॉलोअर का बटन नज़र आएगा। तो मैं इसको ओके करता हूँ, सिर्फ एक क्लिक किया, उसके बाद वापस अपनी उसी टैब पे गया। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे अभी ऐड फ्रेंड है और यहाँ पे आप देख सकते हो फॉलो वाला आ गया। तो अब क्या होगा कि जो भी आपकी प्रोफाइल पे न्यू यूज़र आएगा वो सिर्फ आपको फॉलो कर सकेगा। तो इस तरह से आपकी जो लिमिट भी कंप्लीट नहीं होगी और आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो भी बढ़ती जाएगी। ये अनलिमिटेड होती, जितना मर्ज़ी आपको यहाँ पे लोग फॉलो कर सकते हैं, ये एक फेसबुक पेज की तरह काम करता है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो फेसबुक यूज़र्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।